हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है वो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है कि अगर आप कोई स्क्रीन गार्ड को ऑनलाइन मंगवाते हैं और उसको आपको अप्लाई करना नहीं आता अपने फोन में, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं OnePlus Nord 2 के ऊपर इसी स्क्रीन गार्ड को लगाने वाला हूँ और यहाँ पर अभी तक मुझे कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं आया है, बट मुझे डर रहता है कि मेरा फोन कहीं अगर गिर गया तो टूट सकता है। तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर टेम्पर ग्लास को करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अच्छे से इसमें टेम्पर ग्लास लगाया जाता है। हालांकि यहां पर माइक्रो बबल्स आ गए हैं, लेकिन मैं भी बता दूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एकदम नूब हूं। तो यहां पर मैं सारी चीजें एकदम बेसिक से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें स्क्रीन गार्ड को लगा सकते हैं। हालांकि काफी अच्छे से मैंने स्क्रीन गार्ड को लगा दिया है, लेकिन यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें स्क्रीन गार्ड को लगा सकते हैं। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में OnePlus Nord 2 ही नहीं, कोई भी स्मार्टफोन में आप अब टेम्पर ग्लास को कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया टेम्पर ग्लास का बॉक्स और यहाँ से मैं टेम्पर ग्लास को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था और वो भी सिर्फ 119 रुपीज़ में। और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का हमको ये टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, ये फुल टेम्पर ग्लास है, यानी कि एज पे हमको ब्लैक ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक वेट और एक ड्राई हमको यहाँ पर क्लॉथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ से अब मैं यहाँ पर अपने बैक कवर को बाहर निकाल कर फिर उसके बाद अपने फ़ोन को यहाँ से अब साफ कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक्चुअली में ये जो टेम्पर ग्लास है वो सही है भी कि नहीं इसके साइज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हो गया टेम्पर ग्लास, एकदम फिट है। और यहाँ से अब बारी है मैं यहाँ से इसके स्क्रीन गार्ड को, जो प्री अप्लाइड आता है, उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा आराम से ही निकालिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है फ़ोन आपके हाथ से फिसल जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको निकाल दिया है और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई कोई धूल वगैरह तो नहीं है, कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। तो अब यहाँ से आपको जो ड्राई वाला क्लॉथ है उसको निकाल कर और फिर उसके बाद आपको अपने स्क्रीन को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप, मैंने इसको लगभग से 2 से 3 मिनट तक साफ़ किया था और ज़रा भी अगर मुझे धूल दिख रही थी तो उसको मैं फिर से साफ़ कर रहा था। तो मैं भी आपको कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से और प्रिसाइज तरीके से ही इसको आप साफ़ कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर एक भी धूल लग गई तो आपका जो प्रोसेस है वो बेकार हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम जो सूखा वाला क्लॉथ है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, हम इसको भी काफ़ी अच्छे से आप इसको साफ़ कीजिएगा, कोई भी डस्ट वगैरह रह जाए तो प्लीज़ उसको ध्यान से निकाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो टेम्पर ग्लास का जो आप सेट करने जा रहे हैं वो सही से सेट नहीं होगा। तो अब बारी है टेम्पर ग्लास को यहाँ से लगाने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया टेम्पर ग्लास और आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसको थोड़ा सा जब तक अलाइन ना कर लें तब तक इसको लगाइएगा मत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से, जब तक ये सेट नहीं हो जा रहा है तब तक मैं इसको अलाइन करके तभी इसको लगाऊंगा, अदरवाइज़ अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ तो जो डिस्प्ले का वॉचिंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये सही से नहीं लग रहा है, इसके स्क्रीन पर सही से फिट नहीं हो रहा है, कभी ऊपर से अगल बगल तो नहीं हो रहा है, तो तब तक आप इसको मत सेट कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बारीकी से मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो बीच में से आपको एक बार खींच देना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगे कि मैंने अच्छे से सेट कर दिया है तो बीच में से खींच दीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास अगर कोई क्लॉथ होगा तो उससे, या फिर आप अपने हाथों से भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर थोड़े बहुत मुझे यहाँ पर एयर गैप वगैरह दिख रहे थे तो मैंने यहाँ पर अपने हाथों से उनको निकाला है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने के आधे घंटे तक प्लीज़ आप फ़ोन को यूज़ मत कीजिए, इससे अच्छे से जो आपका
टेम्पर ग्लास के अप्लाई करने के आधे घंटे बाद ही आप इसको यूज कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो एयर बबल्स आ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं इस टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने के 5 मिनट बाद ही यूज करना शुरू कर दिया था इस बैक कवर के साथ, इस वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा खराब हो गया। तो मैं तो आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बैक कवर यूज कीजिए, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। वैसे वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।